के साथियों का, हमारे यहाँ इस गरीब खाने में आप आए, इस खबर को आप चलाओगे, सबसे बड़ा नुकसान हमारे ये बच्ची गई, पैसों की कोई बात कौन थी, गिरवी धरी गई जमीन, हम छुटवा लेंगे, भाई ला के छुटवा लेंगे, लेकिन हमारी बच्ची गई, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इस डॉक्टर साहब के खिलाफ है, जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं करेगा प्रशासन तो करनी सेना एक दिन उग्र आंदोलन पर उतरेगी और पिलानी में इसका हॉस्पिटल जाम करेंगे, ताला लगाएंगे और खुद बैठेंगे। 31 तारीख को जैसे ही डॉक्टर कर्णबेनीवाल के पास आए तो डॉक्टर साहब ने ये जांच वगैरह करके उन्होंने बताया कि इस बच्चे के पेट में गांठ है और वो लोग मैं दो दिन में ये गांठ निकाल दूंगा और दूरबीन से निकाल दूंगा, दो दिन के बाद साधारण छुट्टी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो संजय सिंह और ये सारे मान गए कि ठीक है ऑपरेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑपरेशन किस चीज़ का क्या क्या किया वो तो भगवान जाने। ऑपरेशन के बाद बच्चे को हमने होश में ही नहीं देखा और वो डॉक्टर वेंटिलेटर से नीचे भी नहीं उतार सका और हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप बच्चे से मिलाओ दिखाओ, तो उसने एक ही बात बोली कि इसको नशे का टिक्का तो जो इंजेक्शन दिया हुआ है और इसको अगर ये नशे का डोज नहीं देंगे, इंजेक्शन नहीं देंगे तो इसको इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो हमने उसकी बातें मान ली और एक डॉक्टर साहब की एक ही भाषा रही कि आप पैसे की व्यवस्था करो, आप पैसे की व्यवस्था करो। हमने 4 दिन के अंदर उसको 4.5 लाख रुपये तो दे दिए और उस 4,08,000 के कच्चे और पक्के बिल हैं हमारे पास, आईसीयू का बिल उन्होंने दिया नहीं कि आप कल या परसों में ले जाना। जिस दिन बच्ची को रेफर की बात चल रही थी दोनों हाथों के प्लास्टर बांध रखे थे, बच्चे का हाथों का कोई ट्रीटमेंट नहीं, CMC ले जाओ बच्चे बना रहे थे, वो दबाव बना रहे थे जिस टाइम बच्ची के दोनों हाथों में प्लास्टर बांध रखे थे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्ची की, बच्ची की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और खास करके यहाँ झुंझुनू से वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस गई तो पहले उन्होंने षड्यंत्र के तहत पूरी प्लानिंग से प्लान बना रखा था, 5 से 7 मिनट में डॉक्टर साहब ने एम्बुलेंस में बच्चे को शिफ्ट करा दिया और उससे पहले हमारे से साइन करा लिया कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, आप इसको CMC ले जाओ। वहाँ पहुँचे जिंदल में, CMC में हम गए नहीं, जिंदल में पहुँचे, जिंदल वालों ने पहले ही मना कर दिया कि बच्ची लगभग 1 से 2 दिन पहले की मर्थ बॉडी है, वो उन्होंने लिख के भी दिया है कि बच्ची डेड है, हमारे पास डेड बॉडी पहुँची। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चूरू, आज हम सभी लोग श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी भरत सिंह जी, पूर्व विधायक मनोज जी न्यांगड़ी, सभी ने मिलकर यहाँ SP साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर एक तरफ तो डॉक्टर भगवान का रूप है, भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं और एक इस तरीके का कल्प वृक्ष, मैं उसको कल्प वृक्ष नहीं बोलूँगा, कतल वृक्ष बोलूँगा, कतल वृक्ष जो हॉस्पिटल है पिलानी के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने आरती नाम की हमारी जो बहन थी, बेटी थी हमारे समाज की, उसके साथ जिस तरीके से अन्याय किया, 31 मई को उनको वहाँ पर एडमिट किया जाता है और एडमिट होने के बाद 4 तारीख को जब उनको छुट्टी दी जाती है उसके बाद हिसार रेफर कर दिया गया था। हिसार जिंदल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने ये बताया कि लड़की का 2 दिन पहले ही देहांत या निधन हो चुका है, तो इस तरीके का जो करते हुआ है उसमें परिवार के साथ, परिवार की जो मांग है उसके साथ हम खड़े हैं। परिवार की मांग है कि उस मामले के अंदर CCTV फुटेज जो है वो सबके सामने सार्वजनिक किए जाए कि लड़की जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उस दिन से लेकर 4 तारीख को जब उन्होंने रेफर किया है उसकी पूरी CCTV फुटेज सार्वजनिक हो। और अभी हमने मांग भी रखी है कि मेडिकल टीम, एक इस उच्च अधिकारी को साथ में लेकर मेडिकल टीम गठित की जाए ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिल सकता है तो हम जो यहाँ पे पूरी टीम खड़ी है ये पूरा आंदोलन करेगी और इस आंदोलन को पूरे झुंझुनू और चूरू के अंदर, क्योंकि लड़की चूरू की थी, हमारे राजगढ़ तहसील की थी, पूरी चूरू और झुंझुनू की टीम और हमारे बड़े भाई माननीय मनोज न्यांगड़ी जी इस लड़ाई में इस परिवार के साथ खड़े हैं। तो हमारी मांग है प्रशासन की, समय रहते आप चेत जाएँ, क्योंकि जिस तरीके से वो डॉक्टर कर्णबेनीवाल धमकी देता है, हम सभी ने सुना है, कुछ मीडिया के भाइयों से या सूत्रों से पता चला है कि वो बोलता है कि मेरे जो हॉस्पिटल है उसका जो फीता जो है गहलोत साहब ने काटा है, माननीय गहलोत साहब इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जिस तरीके से सेवाएं सरकार कर रही है, लेकिन इस तरीके से कतल वर्क्स जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के डॉक्टर की इस तरीके से बोलना कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है। अगर सरकार के नुमाइंदों से भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप निष्पक्ष हो, आप एकदम दूध के धुले हो, तो इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएं, क्योंकि आज एक आरती बिछड़ी है और अन्य भी यहां और भी परिवार लोग आए जिनके साथ अन्याय हुआ है। हम नहीं चाहते कि किसी और किसी घर की आरती बेटी उस परिवार से विदा हो। तो हमारी मांग है प्रशासन को इस समय रहते चेत जाए, नहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी से नहीं, खुली चेतावनी है, सड़कों पर आंदोलन होगा और जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि हम
हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ जिस तरीके, एक तरफ तो सरकारें बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ सरकार इस तरीके से परिवार की नौजवान बच्ची की इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो कल्पवृक्ष हॉस्पिटल को संपूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। और डॉक्टर जो करण बेनीवाल, एक नॉर्मल फीवर था उसके बावजूद उन्होंने ऑपरेशन किस बेस पर ऑपरेशन किया वो सार्वजनिक करें।